कटिहार मंडल कारा में बिहार के नौ जिलों से भेजा गया 48 बंदी। जिले की आंतरिक व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से संचालन करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर कारा मुख्यालय के निर्देश पर पहली बार कटिहार में इतनी बड़ी संख्या में बंदियों को बाहर के जेलों में भेजा गया है। अब इसे लेकर कटिहार मंडल कारा में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्था पर पूरी तरह चकाचौंध है। इस संबंध में कटिहार जेल सुपरिटेंडेंट अमरजीत सिंह ने बताया कि कारा मुख्यालय के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल कटिहार मंडल कारा की व्यवस्था पूरी तरह चकाचौंध है और जब भी कोई सहयोग की जरूरत है तो जिला प्रशासन तत्परता के साथ सहयोग करते हैं। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। पहली बार कटिहार जेल के इतिहास में 48 बंदियों को बाहर से भेजा गया, क्या व्यवस्था है और क्या निर्देश है? ये प्रिजन हेडक्वार्टर का एक समान अनुशासनिक प्रक्रिया है जिसमें बंदियों को अनुशासित करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल के लिए भेजा जाता है और जो भी प्रिजन हेडक्वार्टर का निर्देश होता है जिला प्रशासन के मार्गदर्शन पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उसका अनुपालन सख्ती से किया जाता है। जो 48 बंदी आए हैं उनको भी विशेष सुरक्षा कक्ष में सख्ती से और निरंतर निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। मोटामोटी कितने जिले से आए हैं? 9 जिले से 48 प्रिजनर्स एक नियत अवधि के लिए आते हैं और इसमें उनका उपस्थापन प्रभावित नहीं होता है। जो उनके वादों का निष्पादन है वो पूरी तरह से उसी तरह चलता है जो उनके पेरेंट्स जेल में होते हैं। तो ये विशेष बंदी शब्द क्यों है? इस पर विशेष बंदी का क्या तात्पर्य अलग होता है? नहीं, ये समान प्रक्रिया है। विशेष जिले के डीएम और एसपी साहब अनुशंसा करते हैं, समान अनुशासनिक प्रक्रिया है, करप मुख्यालय उस पर निर्णय लेते हैं कहाँ भेजा जाना है। एक नियत अवधि के लिए होता है, उनके बाद प्रभावित नहीं होते हैं, उनके वादों का निष्पादन उसी सामान्य गति से होता है जैसे उनके पेरेंट्स जेलों में होता है। परिचय दीजिए। अमरजीत सिंह, जेल सुपरिटेंडेंट।